अच्छा, लास्ट टाइम हमने डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया था डाउनलोड करके, और हमने ये कहा था कि मोंगो डी बी कंपस एक GUI टूल है जो हमें मोंगो डी बी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने की फैसिलिटी देता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ। और हमने ये कहा था कि पहले हम ज़रा कंपस को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये क्या हमने इंस्टॉल नहीं किया? ओके, सो डेटाबेस के लिए दो पॉपुलर अप्रोचेज़ हैं। ज़रा थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगेन हर क्लास से पहले जैसे होता है, ताकि आपको डेटाबेस की बैकग्राउंड थोड़ी सी समझ आए और इम्पोर्टेंस पता लगे। डेटाबेस क्या चीज़ होती है? लफ्ज़ डेटा, जितना भी इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर की, क्लाइंट की, जो प्रोडक्ट्स की, किसी भी रिसोर्स की आपको अगर परमानेंटली सेव करनी है, तो वो किसी ना किसी डेटाबेस में सेव होती है। डेटाबेस होता क्या है? अगर कोई क्विकली बुकिश डेफिनेशन कहें, तो इट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। अब डेटा बहुत ज़्यादा होता है एवरेज कंपनीज का इतना ज़्यादा नहीं भी होता। तो देर आर डजन ऑफ चॉइसेज लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई एक दर्जन से ज़्यादा अकसाम है, बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह डेटाबेस के लिए भी देर आर डजन ऑफ चॉइसेस, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। जो मोस्ट फेमस डेटाबेसेस हैं वो आपका MySQL है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस है, मोंगो डीबी है, मैरिया डीबी है, और ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। यानी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। यानी किसी कंपनी ने कौन सा डेटाबेस यूज़ करना होता है, किसी कंपनी ने कौन सा डेटाबेस यूज़ करना होता है। देर इज एब्सोल्युटली नो स्टैंडर्ड फॉर डिसाइडिंग बिटवीन द डेटाबेस सेइंग दैट विच इज़ बेस्ट एंड विच इज़ नॉट बेस्ट। ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसकी बेस पे आप कहें जी ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट नहीं है, ये अच्छा है और ये बुरा है। ये आपकी रिक्वायरमेंट की नीड और प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक डिसाइड किया जाता है कि जी विच डेटाबेस इज बेस्ट। हाँ, कंपेरिजन में, यानी जाहिर है ये डिसाइड कौन करता है? जो एप्लीकेशन बना रहा होता है या जो सिस्टम आर्किटेक्ट होता है। वंस अगेन, आर्किटेक्ट लेवल डिसीजन। बीइंग अ लेमैन, बीइंग अ बिगिनर, आपको अगर ये चूज करना है कि विच इज़ द बेस्ट डेटाबेस या विच इज़ द गुड डेटाबेस, तो देर आर कपल ऑफ सोल्यूशंस जो मेरे जहन में हैं। आपको इन द बिगिनिंग नहीं पता लग सकता कि कौन सा डेटाबेस आपकी ज़रूरत के लिए अच्छा है। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो अपने ट्रैक को देखने के लिए जो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ होती है वो उससे स्टार्ट करते हैं, एंड देन दे कैन एक्चुअली मूव ऑन टू टेक पार्ट इन द नेक्स्ट बिग टेक्नोलॉजीज। हम MongoDB इस्तेमाल कर रहे हैं, और MongoDB के लिए मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ दी बेस्ट आर दी अल्टीमेट। देर आर सो मैनी चॉइसेस। आपको सिर्फ ये कर लें, हु यूजेज MongoDB। वंस अगेन, मैंने आपको कहा है जी कि आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि जब आप किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ें तो थोड़ी बहुत R&D कर लिए करें, और R&D के लिए बेस्ट चीज़ है कि आप ऑनलाइन करें। अब आपने, मैंने लिखा जी हु यूजेज MongoDB, कपल ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, जो आर्टिकल्स या ब्लॉग्स लोगों ने लिखे हैं, एक्सपर्ट डेवलपर्स ने लिखे हैं, उनसे भी आपको डिसीजन मिल सकता है। लेट्स आस्क इट फ्रॉम द MongoDB's ऑफिशियल साइट इटसेल्फ कि हम MongoDB के ये दो क्वेश्चंस हैं, हु यूजेज MongoDB एंड वाई यूज MongoDB, जस्ट फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल पूछे ये कि आपने MongoDB क्यों किया है, क्या ये वर्थ यूजिंग है, क्या MongoDB को कोई बहुत बड़ी लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशंस ऑलरेडी यूज कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर हमें एक दो ऐसी कंपनीज का पता लग जाए जो बहुत बड़ी हैं और इंटरप्राइज लेवल की कंपनीज है, वो MongoDB यूज कर रही हैं, तो फिर हमें एटलीस्ट सहारा हो जाएगा कि हाँ यार, अगर वो उस लेवल की कंपनी यूज कर रही है तो इट्स गुड एंड इट्स वर्थ यूजिंग। करेक्ट। तो ये डिसीजन ऑब्वियसली, आई मे नॉट बी एक्सपोज टू एवरी थिंग और टू द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज, सो लेट आस्क इट फ्रॉम हियर। अगर आप देख लें कि कस्टमर सक्सेस स्टोरीज, मोर देन 45,000 कस्टमर्स हैव चोजन टू बिल्ड द एप्लीकेशन टुडे एंड टुमारो ऑन MongoDB। यानी 45,000 से ज़्यादा कंपनीज पूरी दुनिया में MongoDB को इस्तेमाल कर रही हैं। उनमें जो फेमस हैं वो ये है अल्टा ब्यूटी, आप इनको सर्च कर सकते हैं, ये कंपनीज किस लेवल की हैं क्या नहीं है। ये है, पता नहीं क्या नाम, मुझे भी नहीं पढ़ना आ रहा, सनोमा है, और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे पेलोड है, SBCC है। लेट्स एक्सप्लोर द फेमस वंस जिनको आप और मैं दोनों जानते हैं। ये सारी कंपनीज हैं जो MongoDBs को यूज़ कर रही हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो। देन यू कैन सी नेक्सी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी कंपनीज खुद एक बड़ी बिजनेस टाइकोन्स हैं। ठीक है, सो द लिस्ट गोज़ ऑन। इसमें काफ़ी सारी फेमस कंपनीज हैं, काफ़ी सारी ऐसी हैं जिनका मैंने और आपने नाम भी नहीं सुना हुआ,
लेकिन ऑब्वियसली इट हैज़ अ गुड, ये एक बड़ी कंपनी हम जानते हैं जिसको, टोयोटा की। फिर ये वोडाफोन में भी, ये भी इंडियन कंपनी है कोई, बिल्कुल। तो आई मीन देर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ कंपनीज, इट्स काइंड ऑफ 45,000। तो इस यहाँ से आप थोड़ी सी तसल्ली कर सकते हैं जी कि कंपनीज के रिव्यूज़ नॉर्मली गलत नहीं होते, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, और अगर किसी कंपनी का बैड एक्सपीरियंस हो तो वो ऑब्वियसली बैड एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हैं। तो दिस इज ह्यूजली पॉपुलर, ठीक है। स्टिल कंपनीज आर यूजिंग इट, बट वाई इट इज़ बेस्ट, तो आप इसके लिए यहाँ पे आएंगी, व्हाट इज़ मोंगो डीबी के बाद वाई टू यूज़ मोंगो डीबी, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंट मॉडल है, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन है, गेटिंग स्टार्टेड क्विकली है, फुली स्केलेबल है, फाइंडिंग इसकी लार्ज कम्युनिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम ये चीज़ें, तो मैंने आपको दो ऐसी जगह बताई हैं जहाँ इफ़ यू वॉन्ट टू बी डिसाइसिव। बाद लोग कहते हैं जी कि पोस्टग्रेस बहुत अच्छी चॉइस है मानस्टैक के साथ एज अ डेटा बेस, तो यस दे आर राइट टू। अब ये अगर आपकी कंपनी रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करनी चाहती है तो दे कैन यूज़ PostgreSQL, और अगर नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करना चाहती है तो दे कैन यूज़ MongoDB। तो मैं पहले ये बता चुका हूँ कि वी आर नॉट और वी कैन नॉट एक्चुअली गेट आर सेल्फ स्टक इन द डिबेट दैट विच इज़ बेस्ट एंड विच इज़ नॉट बेस्ट। अगर आपको MongoDB आ गया तो यू शुड स्विच योर सेल्फ टू द PostgreSQL, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सी कंपनी आपको हायर करती है और वो कंपनी कौन सा डेटाबेस यूज़ करेगी। यू शुड बी एबल टू एक्चुअली गेट योर हैंड्स डर्टी विद एवरीथिंग। बिल्कुल कन्वेंशन में भी समझाऊंगा ना, अभी मैं रिलेशनल और नॉन रिलेशन दोनों को कंपेयर करूंगा तो आपको दोनों का आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और नॉन। तो ये समझ आ गई जी कि वी आर गोइंग टू यूज़ MongoDB। अब ये MongoDB डेटाबेस की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना है। अगर आपको ये जो अभी अगले 5 मिनट की डिस्कशन होगी ये समझ आ गई तो आपको डेटाबेस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, होपफुली। तो ये मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ करूँगा और फिर आपको बताऊँगा। अच्छा, नॉर्मली जब हम डेटा स्टोर करते हैं ना, तो जो पुराना या ट्रेडिशनल तरीका था, पुराना तो नहीं कह सकते, अभी भी चल रहा है इन पैरेलल, लेकिन जो ट्रेडिशनल रिवायती तरीका था ना डेटा स्टोर करने का, वो तरीका था टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट नहीं मतलब प्रोडक्ट रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। द बेस्ट वे इज़, चूँकि इन्फॉर्मेशन स्टोर करते वक्त ख्याल रखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन को सिर्फ स्टोर ही नहीं करना, इन्फॉर्मेशन को जितना कॉम्पैक्ट वे में स्टोर किया जा सके, जितना पॉसिबल हो उतना कॉम्पैक्ट स्टोर करें। फिर उस इन्फॉर्मेशन को सबसे बड़ा चैलेंज है रिट्रीव करना, यानी अगर आपके एक टेबल में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं तो आपने टेबल पे सर्चिंग भी करनी है, टेबल पे इंसर्शन भी करनी है, टेबल पे डिलीशन भी करनी है, समझ आ गई बात, टेबल पे सॉर्टिंग भी करनी है, डिसेंडिंग असेंडिंग, तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस। तो डेटाबेसिस की चॉइस बेसिकली इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के की जाती है। तो जो ट्रेडिशनल तरीका जो कि अभी भी चल रहा है और पहले भी चलता रहा है, काफ़ी अरसे से चलता रहा है, वो था कि वी कैन स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अगर आप टेबल के स्ट्रक्चर को देखें तो टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, हु नोज नॉट, सबको पता है। तो इसका मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप अपने विंडो में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस, ठीक। दो के एक्सेल डेटाबेस नहीं, स्प्रेडशीट है, लेकिन डेटाबेस बेसिकली क्या होता है आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इफ़ यू आर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन टेबल फॉर्म इन रोज एंड कॉलम्स, इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग अ डेटाबेस, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये जो टेबल है, इस टेबल को डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, रिलेशनशिप में और रिलेशन में फ़र्क है। ये रिलेशन का लफ्जी मतलब ना लीजिएगा, ताल्लुक वाला मतलब नहीं है, समझ आई बात। डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में एक टेबल का नाम ही क्या होता है, टेबल को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट डज अ रिलेशन कंसिस्ट ऑफ, तो आप ये नहीं कहेंगे मेल एंड फीमेल, गॉट इट, आप कहेंगे रिलेशन कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रोज हैं, यानी अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कहूँ ये 2 रोज, ये 3 रोज और ये 4 रोज, तो अगर आपका, अच्छा ये तो हो गया एक टेबल। अब अगर आपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो इस टेबल को नाम ही क्या दे दें, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर होगी, प्रोडक्ट के टेबल में स्टोर होगी। अगर आपको यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो क्या सेम टेबल में करेंगे, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूज़र के जो कॉलम्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे। यूज़र के कॉलम में क्या आएगा, यूज़र नेम आएगा, उसका फादर नेम आएगा, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, उसका शिपिंग एड्रेस आएगा, और प्रोडक्ट में आएगा, प्रोडक्ट टाइटल आएगा, उसकी प्राइस आएगी, उसकी स्टॉक आएगी, उसकी शिपिंग,
ये तो टोटली डिफरेंट रिसोर्स है ना। तो ऐसी चीज, ऐसा रिसोर्स जिसके बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस अ थिंग फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। प्रोडक्ट एक एंटिटी है डेटाबेस की जुबान में। एपीआई की जुबान में हमने प्रोडक्ट को रिसोर्स बोला था, अब ये डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ। तो डेटाबेस की जुबान में जिस भी रिसोर्स की इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, उस रिसोर्स को क्या बोलते हैं? एक एंटिटी बोल सकते हैं। समझ आ गई बात? तो प्रोडक्ट एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी क्या होगी? यूजर। तीसरी एंटिटी क्या हो सकती है? तीसरा टेबल ऑर्डर्स का हो सकता है, ठीक है, तीसरा टेबल ऑर्डर का हो सकता है। चौथा टेबल क्या हो सकता है? बहुत कुछ और भी हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये दो तीन एग्जाम्पल लेने, ये यूजर्स का टेबल है और ये ऑर्डर का टेबल है। तो इनमें भी रोज और कॉलम्स होंगे और इसमें भी रोज और कॉलम्स होंगे। जी, ये अभी डेटाबेस की डेफिनेशन तक पहुंच रहा हूँ, अभी डेटाबेस को मैंने स्प्लिट डाउन कर लिया। एक टेबल, अब नॉर्मली अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने सवाल पहले पूछ लिया कि टेबल क्या है। हम इंफॉर्मेशन को ग्रुप कर लेते हैं या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुपिंग की फॉर्म में। प्रोडक्ट्स को अलग टेबल में सेव कर लिया, यूजर्स को अलग से, क्योंकि यूजर्स भी जाहिर हजारों में हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हजारों में हो सकते हैं, ऑर्डर्स भी हजारों में हो सकते हैं। तो एक टेबल दैट इज सोली रिस्पॉन्सिबल टू एक्चुअली मैनेज द इंफॉर्मेशन और स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। फिर एक टेबल जो दैट इज यूज टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स एंड देन ऑर्डर्स एंड देन सो ऑन। तो बेसिकली अगर इन सारों को हम मिलाएं तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? ये कंप्लीट एक डेटाबेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो अब अगर मैं आपको कहूं कि डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ टेबल्स, ऐसा डेटाबेस जो टेबल्स पे, टेबल्स का नाम मैंने रिलेशन कहा था, ऐसा डेटाबेस जो रिलेशंस पे मुश्तमिल होता है, यानी जो टेबल्स पे मुश्तमिल होता है, उस डेटाबेस को हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्या कहते हैं उसको? आप अक्सर सुनते होंगे रिलेशनल डेटाबेस वर्सेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो जब मैंने कहा कि ऐसा डेटाबेस जिसमें इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में स्टोर होती है, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे, तो फिर दूसरे की डेफिनेशन तो आपको आ गई ना। ऐसा डेटाबेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो अब आपको ये बात समझ आ गई है, रिलेशनल वर्सेज नॉन रिलेशनल। बड़ा सिंपल सी कहानी है ना, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अब आप मुझे कहेंगे कि कोई नाम तो बताएं रिलेशनल और नॉन रिलेशनल के। तो नॉन रिलेशनल का सबसे पहला नाम, ये जो मोंगो डीबी है, ये क्या है? नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो हम पढ़ेंगे। और MySQL है जो बहुत ज्यादा फेमस डेटाबेस रहा है 2000 से लेके अब तक, वो क्या है? रिलेशनल डेटाबेस। पोस्टग्रेस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस, ठीक। और ओरेकल क्या है? रिलेशनल डेटाबेस। और नॉन रिलेशनल के भी कुछ हैं, लेकिन मुझे शायद ज्यादा के नाम नहीं पता, बहरहाल दैट्स वन इज गुड टू गो। तो रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ रिलेशंस आर टेबल्स, रिलेशन कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रो कंसिस्ट ऑफ, अब जरा गौर से सुनिएगा अगली बात, क्योंकि हमने बेसिकली डेटाबेस को तोड़ा तो बीच में से क्या निकला? रिलेशन। रिलेशन को तोड़ा तो बीच में से क्या निकला? रोज। रोज को तोड़ेंगे तो बीच में से क्या निकलेगा? लेट्स सी। ये बेसिकली आपके कॉलम्स होते हैं और ये आपकी रोज होती हैं। अब मुझे बताएं कि अगर मैं यहां पे लिखूं किसी यूजर की आईडी, किसी यूजर का नाम, किसी यूजर का एड्रेस, किसी यूजर का कॉन्टेक्ट, किसी यूजर का ABCX, कुछ भी नहीं, तो जो एक रो होती है वो एक यूजर का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। यूजर कह लें या प्रोडक्ट कह लें, बेसिकली कुछ भी कह लें, किसी भी, एक रो किसको रिप्रेजेंट करती है? पूरे एक रिकॉर्ड को। और एक कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को। डोमेन का मतलब क्या है? अगर वो नेम का कॉलम है तो उस पूरे के पूरे कॉलम में सिर्फ क्या होंगे? नेम होंगे। अगर वो आईडी का कॉलम है तो उस पूरे के पूरे कॉलम में क्या होंगे? आईडी होंगे। तो यानी इंफॉर्मेशन, अब मुझे बताएं कि जो डेटाबेस रिलेशनल है, उस रिलेशनल डेटाबेस का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? कॉलम। कॉलम है ना, और मल्टीपल कॉलम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है ना। देखे ना, आईडी का कॉलम, यूजर का कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स मिले तो एक रिकॉर्ड बना ना। समझ आई बात?
तो इसका मतलब है कि मल्टीपल कॉलम्स कंबाइन टू मेक अ रिकॉर्ड, और रिलेशनल डेटाबेस में रो का दूसरा नाम रिकॉर्ड है. जब मैं रिकॉर्ड बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, एक एक रो. ओके, अब सुनिएगा जरा. कॉलम्स कंबाइन टू मेक अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स कंबाइन टू मेक अ रो रिकॉर्ड, ही है ना. आई रिपीट, कॉलम्स कंबाइन टू मेक अ रिकॉर्ड आर रो, रो आर रिकॉर्ड कंबाइन टू मेक अ, भाई ये देखें टेबल, ये देखे ना, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, हर रो में मल्टीपल कॉलम्स. तो कॉलम्स कंबाइन टू मेक अ रो, रो कंबाइन टू मेक अ रिलेशन आर टेबल, टेबल्स कंबाइन टू मेक अ, समझ आ गई बात. अब उल्टा चले, डेटाबेस को स्प्लिट करें तो टेबल, टेबल को स्प्लिट करें तो रोज, रोज को स्प्लिट करें तो, समझ आ गई बात. यानी ये मैंने छोटे से बड़े यूनिट, बड़े से, तो अब बेसिकली ये रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज हैं. आप कहेंगे सानू क्यों दास रहे हो, ऐसी रिलेशनल पढ़ना ही नहीं थी, इसलिए कि इसका कंपैरिजन करूंगा किसके साथ, नॉन रिलेशनल के साथ. हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस चूज करने का फायदा क्या है, एक तो ये रियल टाइम हो सकता है, रियल टाइम तो हर कोई भी हो सकता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा आसान है, तीसरा इसमें आपको, यानी अगर आप, यानी कोई आपको एडिशनल लैंग्वेज या क्यूरी की कोई स्पेशल मैकेनिज्म जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है. इस केस में ऑब्जेक्ट होगी ना, अभी आते हैं ना इस पर, इसको पढ़ लें फिर हम कंपेयर करेंगे. अब इधर आए जी नॉन रिलेशनल में. नॉन रिलेशनल में सबसे ऊपर होता है डेटाबेस, इसमें भी डेटाबेस ही होता है, ठीक है. यानी ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, डीबी. इसमें भी क्या होता है, डेटाबेस. डेटाबेस के बाद इसमें जो दूसरे नंबर पे चीज होती है, यहां डेटाबेस के बाद क्या होती है दूसरे नंबर पे चीज, टेबल्स. क्या होता है यहां पे जो दूसरे नंबर पे चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन. डेटाबेस में क्या होता है, मल्टीपल कलेक्शंस. जैसे ये प्रोडक्ट का टेबल है, ये यूजर का टेबल है, ये ऑर्डर का टेबल है. तो यहां ये तीनों क्या कहलाएंगी, प्रोडक्ट की कलेक्शन है, यूजर की कलेक्शन है, ऑर्डर्स की कलेक्शन है. सिर्फ वोकैबुलरी जाने अभी तक, किस फॉर्म में होगी अभी थोड़ी देर, मुझे थोड़ा सा टाइम दें. कलेक्शन बेसिकली इस फॉर्म में होगी, जेसन देखिए ना, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं होगी, ये होगी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कलेक्शन क्या होगी बेसिकली, बस आगे समझ, अभी करके भी दिखाऊंगा. कलेक्शन के बाद यहां टेबल के बाद क्या आता है जी, रो आती है. तो यहां कलेक्शन के बाद उसी की रिप्लेसमेंट में रो के बजाय आएगा डॉक्यूमेंट. क्या आएगा, यानी एक डॉक्यूमेंट एक पूरे बंदे की या पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहा होगा. समझ आ गई बात. ये डॉक्यूमेंट वो वाला नहीं है जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट, ये डेटाबेस का डॉक्यूमेंट. अब यहां रो को स्प्लिट करें तो क्या बनता था हमारे पास, अच्छा कॉलम का दूसरा नाम एट्रीब्यूट हो सकता है इधर डेटाबेस की जुबान में. और यहां पे आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर फर्दर जाएंगे तो इसको हम कहेंगे फील्ड. यहां भी ये कॉलम की जगह फील्ड कह सकते हैं आप. तो यही कह रहा हूं ना, रोज के स्प्लिट अप करें तो कॉलम बनते थे ना, यहां डॉक्यूमेंट था रो के बजाय, और डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करें तो क्या बनता है, फील्ड बनती है. तो ये सारी चीजें डीबी, डीबी टेबल कलेक्शन, रो डॉक्यूमेंट, कॉलम फील्ड, सारी चीजें पूरी हो गई. सब समझ आ गया, अब जरा गौर से आ गया समझ, तो फील्ड्स भी ज्यादा होंगी. सिंगल कॉलम की बात नहीं कर रहे हम, हर कॉलम की बात कर रहे हैं. यानी देखें, अगर एक रो बनती है ना, मेरा रिकॉर्ड है यूजर नेम, आईडी, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, छह कॉलम्स मिले तो एक रो बनी ना, छह फील्ड्स बनेंगी मिलेंगी तो एक डॉक्यूमेंट बनेगा. यहाँ भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप एक सेल को कॉलम समझ रहे हैं. कॉलम एक सेल नहीं है, ये पूरा कॉलम है. और अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये एक सेल गलत है. समझ आई बात, इधर इधर सर,
क्लियर ना हुआ तो पैसे वापस, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे डिस्कशन पूरी होने दें, आपका क्वेश्चन ना हल हुआ तो बताइएगा। अभी हम मिड में, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। अब ज़रा मैं जैसे ये टेबल ड्रॉ करके दिखाया ना, वैसे ये फिजिकली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने कहा जी कि हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट यूँ बनाते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से एंड करते हैं, और इसके बीच में है जी एक आईडी, वन टाइटल, कोई टाइटल यहाँ, ये। अब ये जो एक आईडी है ये क्या कहलाती है? फील्ड कहलाती है। ऑब्जेक्ट के केस में ये क्या कहलाती थी? प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दूसरी फील्ड है, ये तीसरी फील्ड है, ये चौथी फील्ड है, ये पांचवी फील्ड है। ये पांच की पांच फील्ड्स कंबाइन होके एक डॉक्यूमेंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तो वो जो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट था, मोंगोडी में क्या बन गया? समझ आ गई बात? अब जरा गौर से सुने, आईडी को यहाँ कॉलम से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, यहाँ आईडी को फील्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ टाइटल था कॉलम, यहाँ टाइटल एक फील्ड है। यहाँ एड्रेस था, यहाँ एड्रेस एक फील्ड है। समझ आ गई बात? तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? फील्ड। इसमें शर्मा के क्यों बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोले, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो फील्ड्स कंबाइन टू मेक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स कंबाइन टू मेक कलेक्शन, कलेक्शंस कंबाइन टू मेक, अब उल्टा पढ़ लें, डेटाबेस इज स्प्लिटेड इनटू कलेक्शंस, कलेक्शंस ब्रेक टू डॉक्यूमेंट, ब्रेक टू, अच्छा डिफरेंस वे ऑफ स्टोरिंग में, मैकेनिज्म ऑफ स्टोरेज में, बिहाइंड द सीन डिफरेंस है, टर्मिनोलॉजी सेम नहीं है। मैंने कंपेयर करके दिखाई है ताकि आपको आसानी हो, कल कलां कहीं रिलेशनल में मूव करना पड़े तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो अच्छा यार उधर ये चीज ये करा रही थी, यहाँ ये चीज ये करा रही थी। तो फर्क है वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन द मेमरी, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन ने जहाँ जाके सेव होना होता है वहाँ पर ये किस तरह, और फिर सिर्फ सेव ही नहीं होना होता, उसके रिट्रीवल में भी जो बिहाइंड द सीन, ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट होते हैं इनके ऊपर, क्योंकि मेमोरी में एफिशिएंट स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम के पीछे कोई ना कोई एल्गोरिदम होता है, तो इनकी इंप्लीमेंटेशन में फर्क है। दोनों सेफ होते हैं, दोनों सिक्योर होते हैं। आजकल तो क्लाउड एनवायरनमेंट है भाई, सिक्योरिटी तो आपका हेडेक रहा ही नहीं है। आप MongoDB अगर मैं डेटाबेस बनाए तो इसको भी आप कहाँ होस्ट करेंगे? क्लाउड पे होस्ट करेंगे, मतलब मोंगो एटलस एक क्लाउड है ना, आप अमेजोन पे भी होस्ट कर सकते हैं, आप अजियोर पे भी होस्ट कर सकते हैं, कभी क्लाउड पे जिक्र करेंगे बाद में छेड़ेंगे उसको, लेकिन आप MongoDB यूज कर रहे हैं तो इसको भी कहाँ होस्ट करेंगे? तो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जगह की होती है जहां हम इस डेटाबेस को क्या कर रहे होते हैं, होस्ट कर रहे होते हैं। आप नॉन ये रिलेशनल डेटाबेस या MySQL यूज करें तो उसको भी आप क्लाउड पे होस्ट कर लें, वो भी सिक्योर। तो सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ अ सेपरेट कंसर्न देन दैट ऑफ अ डेटाबेस। समझ आई बात? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ज्वेलरी ले आते हैं अपने घर में, तो ज्वेलरी एक कीमती चीज है, आप चाहें तो उसको बैंक के लॉकर में रखें, ज्यादा सिक्योर है, चाहें तो अपने घर के लॉकर में रखें, थोड़ा सा लेस सिक्योर है, चाहें तो अपने अंकल जिनके पास ज्यादा मजबूत लॉकर है उनको जाके दे दें, अंकल मेरा ये जेवर संभाल लें, उनका लॉकर ज्यादा। तो इट्स काइंड ऑफ ज्वेलरी आपकी है, यूं समझ लें कि डेटा आपका है, आपको ये सिक्योर करवाना है तो आप बैंक पे चले जाएं, अंकल के घर चले जाएं, अपने घर लॉकर में रख लें। सिमिलर आपने डेटाबेस बना लिया, अब इस डेटाबेस को आप अज्योर क्लाउड में रख दें, अमेजन क्लाउड में रख दें, IBM क्लाउड में रख दें, अलीबाबा के क्लाउड में रख दें, गूगल के क्लाउड में रख दें, जो सस्ता पड़ता है। खैर ये वैसे डिस्कशन हमारी बाहर चलेगी, वापस अंदर आ जाएं अभी हम बेसिक में हैं, ठीक है, समझ आ गई बात? तो कहने का मतलब यह है कि हम अब पढ़ेंगे किसको, यानी हमारा जो डेटाबेस, अच्छा अब सुने, ये पूरा क्या कहलाता है? एक डॉक्यूमेंट। तो अगर ये इस तरह के चार पांच डॉक्यूमेंट्स हो जाएं तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अरे में। तो जब अरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? कलेक्शन। फिर वो सारी कलेक्शन किसके अंडर आएंगी? बात समझ आ गई? लेट्स डू इट प्रैक्टिकल नाउ। लेकिन उसकी
ये सिर्फ बुक में नहीं है, ये सिर्फ बुक की सेव नहीं करनी है आपको, नहीं आपको इमेज भी सेव करना होगा, आपको पीडीएफ की फाइल भी सेव करनी होगी। तो नॉर्मली आप कोई भी मल्टीमीडिया फाइल अगर सेव करते हैं ना, तो डेटाबेसेस में उनके लिंक्स सेव होते हैं, फाइल फिजिकली खुद जाके सर्वर के किसी फोल्डर में सेव करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, क्लाइंट से फाइल चूजर से अपलोड अ फाइल करवाएंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, बैकएंड पे उस फाइल को रिसीव करेंगे, हम कर चुके हैं फॉर्मेट के केस में, वो जो बेस 64 फॉर्म में इनकोड करके, हम चाहें तो वो पूरा का पूरा बेस 64 इमेज डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस और मेमोरी कंजम्पशन की वजह से वो नहीं करते। हम उस इमेज का पाथ डेटाबेस में सेव करेंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में, और वो खुद इमेज हम उठा के सर्वर पे मूव कर देंगे। जैसे आप फेसबुक पे अपनी डीपी अपलोड करते हैं, तो आपके ख्याल में वो आपकी डीपी कहाँ जाती है? फेसबुक के सर्वर पे कोई एक फोल्डर बना होगा जहाँ सारे यूजर्स के अवतार पड़े होंगे, जबकि डेटाबेस में उस इमेज का रेफरेंस जाएगा। इस पर डिटेल से हम बहस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वो इमेज भी एज अ स्ट्रिंग ही सेव हो रहा होगा। बहरहाल कमिंग बैक, अब आ जाएं जी यहाँ पे। तो सबसे पहले MongoDB में क्या क्रिएट करें? वेरी गुड, डेटाबेस। डेटाबेस के लिए ये लिखा हुआ नजर आ रहा है डेटाबेस, या यहाँ पे देखें तो डेटाबेसेस। बाय डिफॉल्ट MongoDB तीन डेटाबेसेस ऑलरेडी देता है आपको, एडमिन, कॉन्फिग, लोकल। इनको ना छेड़ें, आप अपना बना लें। आप यहाँ जाएंगे, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट डेटाबेस। अब आपको बताया डेटाबेस का कुछ भी नाम हो सकता है, हम चूंकि ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम डेटाबेस को नाम क्या देंगे? ई कॉमर्स, ठीक है? डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है। अब वो कह रहा है जी कि अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो इस डेटाबेस में एटलीस्ट एक कलेक्शन भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेटाबेस में कलेक्शन ही नहीं है तो फिर डेटाबेस नहीं है ना भाई, ठीक है? तो कलेक्शन का नाम क्या दें? हमने ई कॉमर्स में क्या स्टोर करना है? प्रोडक्ट स्टोर करने हैं, ऑर्डर स्टोर करने हैं, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, कम अज कम ये तीन तो करनी है। तो हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स। और अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो सिर्फ बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप सिंपली क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करें। सो नाउ पहले तीन डेटाबेसेस थे, अब उसमें एक और आ गया ई कॉमर्स, और उस ई कॉमर्स के डेटाबेस में आपकी एक कलेक्शन भी बन गई है, ई कॉमर्स डॉट प्रोडक्ट्स का मतलब ई कॉमर्स डेटाबेस है और प्रोडक्ट्स क्या आपकी कलेक्शन है, प्रोडक्ट्स क्या आपकी, और आपको पता है कलेक्शन क्या होती है, ठीक है? आप वापस जाएं यहाँ पे, तो ये आपके तमाम के तमाम करंट डेटाबेस कौन सा सेलेक्टेड है? ई कॉमर्स। और इस ई कॉमर्स के अंदर जितनी भी कलेक्शन होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। मेरे पास अभी एक कलेक्शन है प्रोडक्ट्स की, मैं दूसरी कलेक्शन भी बना सकता हूँ, दूसरी को क्या नाम दूँ? ऑर्डर्स। तो दिस वुड गो, अब ये देखें ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में दो कलेक्शंस हो गई हैं, एक ऑर्डर्स की और एक, आप एक तीसरी कलेक्शन भी यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। नाउ इफ आई गो अहेड, और ये कह रहे हैं जी कलेक्शन नेम, मैं क्या कहूँगा? यूजर्स। तो अब आपके एक डेटाबेस में कितनी कलेक्शंस हो गई हैं? तीन। तो मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ा यूनिट हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल कलेक्शंस, ईच कलेक्शन कैन हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाएं जी कलेक्शन के अंदर, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ई कॉमर्स डॉट प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स की कलेक्शन के अंदर हैं। तो आपको यहाँ आप क्या क्रिएट करना है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स। ये सारा काम कमांड लाइन के जरिए होता है, लेकिन थैंक्स टू MongoDB कंपस हमें GUI से दे रही है सारा। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, इसकी दो तीन पॉसिबिलिटी हैं। वो कहता है जी कि अगर आपके पास कहीं जेसन फॉर्मेट में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है या CSV में फॉर्मेट पड़ा हुआ है, तो आप वो सारा का सारा डेटा अपलोड कर दें। CSV होता है एक्सेल का एक खास फॉर्मेट होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। कहते हैं जी आपके पास अगर ह्यूज लिस्ट ऑफ डेटा है ऑलरेडी तो आप अपलोड कर दें, और अगर नहीं है तो आप क्या करें, इंसर्ट अ डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करें। डॉक्यूमेंट क्या होता है? कलेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। क्या डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स, भूल गए हैं? सो इफ आई कम हियर इंसर्ट अ डॉक्यूमेंट, तो ये देख रहे हैं आप उसी तरह की शक्ल दिख रही है, आपको नहीं दिख रही? अच्छा, फॉर अंडरस्टैंडिंग रीजन, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके ये दो डिफरेंट व्यूज हैं। अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, लेकिन आप आसानी के लिए इसका व्यू चेंज करके देख लें, ये ज़रा ज़्यादा आसान व्यू है, ठीक है? आप चाहें तो ये व्यू भी देख लें, लेकिन आप जो कुछ यहाँ करेंगे वो उसी तरह व्यू बैक एंड में ऑब्जेक्ट बनाता रहेगा। हर डॉक्यूमेंट में MongoDB एक यूनिक ID खुद क्रिएट कर लेता है, यानी हर डॉक्यूमेंट में दो फील्ड्स MongoDB खुद ऐड कर देता है, एक ID
और एक वर्जन, अभी आपको एक नज़र आ रही है, मैं सेव करूंगा तो वो एक और। तो आईडी यूनिक होती है और आईडी MongoDB खुद इंसर्ट करता है हर हर डॉक्यूमेंट में, और उसकी यूनिकनेस को वो मेक श्योर करता है, क्योंकि आईडी दो या दो से ज़्यादा रिसोर्सेज की सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे प्लस का बटन आएगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या कह रहा है, ऐड फील्ड आफ्टर आईडी। तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, फील्ड्स ही होती है ना, फील्ड्स किस पे मुश्तमिल होती है, फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू पे मुश्तमिल होती है, ऑब्जेक्ट्स वाला स्ट्रक्चर है ना। तो जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो मुझसे दोनों चीज़ें पूछेगा, फील्ड का नाम क्या हो, मैं कहता हूँ जी टाइटल हो, और ये कहता है फील्ड की वैल्यू क्या हो, अगर कोई इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो दे दें वरना खाली छोड़ दें, क्योंकि ताकि हम फ्रंट एंड से जॉब, तो अभी मैं सिर्फ फ्रंट एंड की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ जी सम प्रोडक्ट। ये पूछ रहा है कि इस फील्ड की टाइप क्या होगी, यानी इसमें आने वाली वैल्यू स्ट्रिंग होगी, नंबर होगी, डेट एंड टाइम होगा या क्या होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये सारी पॉसिबल टाइप्स, तो हमें क्या देनी है यहाँ पे, स्ट्रिंग देनी है। समझ आ गई ये बात सबको। अब आप रिव्यू चेंज करके देखें तो ये नज़र आ रहा है आपको, ये उसी तरह का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। फिर आप जाएं तो यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ जाएं, वो कह रहे जी ऐड फील्ड आफ्टर टाइटल, और यहाँ पे लिखें डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कुछ भी लिख दें सम डिस्क्रिप्शन, और ये भी स्ट्रिंग होगी। फिर ये देखें, ये मैंने सेव कर दिया तो इसने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दे दिया। अगर आप यहाँ इस तरह देखना चाहेंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा आपको, दिस इज़ दी ऑब्जेक्ट। और ये सिर्फ व्यूज, आप टेबुलर व्यू में देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ देखने की हद तक है, एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट ही सेव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जाएं, इसको एडिट करें और इसमें कुछ मज़ीद फील्ड्स डाल दें। ठीक है, कैसे डालेंगे, इस पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन के बाद स्टॉक। अब ये जो स्टॉक है ये ऑब्वियसली क्या होगा, नंबर की फील्ड होगी, तो मैं कहता हूँ जी 25, तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा जाके, नंबर। और नंबर के लिए क्या है, बेसिकली इंट 32 या इंट 64, मैंने ये कर दिया, अपडेट कर दिया, वो नई फील्ड भी ऐड होगी। तो यूँ जितने भी, अच्छा नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट दोबारा बिल्कुल स्क्रैच से। तो यूँ जितने भी आपके पास डेटाबेस में डॉक्यूमेंट सेव हो रहे होंगे या इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होगी, वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सेव हो रही होगी, और डॉक्यूमेंट इज़ नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन MongoDB का डॉक्यूमेंट देखने में बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसा लगता है, जो पहले बताता है हूँ, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको हमारा सर्वर इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करेगा, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर बीच में वो मोंगूज लाइब्रेरी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इसी काम के लिए, मैपिंग के लिए, ताकि MongoDB का ऑब्जेक्ट हमारे सर्वर के लिए रिकग्नाइजेबल हो और सर्वर का ऑब्जेक्ट या जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट MongoDB के लिए रिकग्नाइजेबल हो। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? बिल्कुल इसी तरह आपने एक कलेक्शन बनाई है तो आप ये कलेक्शन भी इसमें भी जाके, यानी ये आपकी कलेक्शन है, इसमें भी आके इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो यूँ हम अपने डेटाबेस में तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते हैं। समझ आइए बात, ये आपका MongoDB का इंट्रोडक्शन है। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बता दें, अदरवाइज वी आर गुड टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कोई सवाल नहीं है, सब कुछ ईजी है ना, सिर्फ आपने फ़्लो याद रखना है, फील्ड्स को कंबाइन करें तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कंबाइन करें तो कलेक्शन, कलेक्शन को कंबाइन करें तो डेटाबेस। अभी अपडेट करके दिखाया है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप जाएं, किसी चीज़ को चेंज करें और यहाँ पे अपडेट कर दें किसी भी चीज़ को। मज़े की बात बताऊँ, अगर ये सारा कुछ समझ आ गया तो ये काम हम नहीं करेंगे। ये काम हम नहीं करेंगे, समझ तो आ गया ना सारा कुछ। हाँ बस फिर ठीक, बस साड़ी मर्जी, क्योंकि मैंने कहा था कि हम मन स्टैक पढ़ने का फायदा ये है कि हम सब कुछ जावास्क्रिप्ट में करेंगे, तो हम ये कलेक्शंस भी जावास्क्रिप्ट के जरिए क्रिएट करेंगे, यानी हम अपने कोड में जो कुछ लिखेंगे यहाँ आके सारा कुछ बहुत बहुत मैनेज करेंगे, सर्वर से सारा कुछ करेंगे। तो ये समझाने का मकसद ये था कि आपको स्ट्रक्चर सारा समझ आना चाहिए कि ये यूं होता है। ठीक है, तो अब मैंने डिलीट कर दिया, इसको कर दे बंद,
और मोंगो डीबी आपको समझ आ गया, एटलीस्ट जितना अब तक समझ आना चाहिए। अब जाहिर है हम मोंगो डीबी को अगले 2 महीने तक खंगालते रहेंगे, तो जो जो चीज़ नहीं आती रहेगी मैं साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन बेसिक्स टू गेट स्टार्टेड विद मोंगो डीबी दिस इज इनफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बैकएंड पे, और मैंने कल के डायग्राम में ये समझाया था कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी गई विद डेटा, बैकएंड पे वो रिक्वेस्ट रिसीव हुई, लेकिन अभी हमारा बैकएंड डेटाबेस के साथ लिंक नहीं है, तो हम इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस के साथ नहीं, डेटाबेस में नहीं भेज सकते। एक बात, अब सारे डॉट्स कनेक्ट करने हैं। दूसरी बात, हमने जब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर बनाया था तो हमने कहा था जी ठीक है, सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, वो राउट्स पे डाली जाएगी, राउट पे फंक्शन कॉल होगा कौन सा, कंट्रोलर का। तो ये मॉडल किस मर्ज की दवा है, इसको आज तक हमने नहीं देखा। तो बेसिकली वी कम्युनिकेट विद द डेटाबेस थ्रू द मॉडल्स, थ्रू मॉडल्स। अच्छा, ये मॉडल क्या बोला है और मॉडल बनता कैसे है, मॉडल हमें कौन बना के देगा? नहीं, कल बीच में एक लाइब्रेरी पड़ी मोंगूज की, मोंगूज क्या करेगी बेसिकली, वो हमें हेल्प आउट करती है ना। यानी मैंने क्या कहा था, हमारे डेटाबेस और हमारे सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन की जिम्मेदार, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदार, डेटा टू एंड फ्रो मूव करने की जिम्मेदार कौन है? मोंगूज है। तो लेट्स टॉक अबाउट मोंगूज, और ये मोंगूज की लॉजिक किधर आएगी, मॉडल के साथ आएगी। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो मैं अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ जी मोंगूज, और ये देखें जी मोंगूज, हमने कल मोंगूज इंस्टॉल कर ली थी, और अगर आप इसके पहले पेज पे आए तो लेट्स फेस इट, राइटिंग मोंगो डीबी वैलिडेशन कास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिक बॉयलर प्लेट इज अ ड्रैग, दैट्स व्हाई वी रोट मोंगूज। यानी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना एक मुश्किल काम है, आसान नहीं है बिगिनर्स के लिए, तो हमने क्या लिखा, इसीलिए मोंगूज लिख लिया। इसकी हेल्प से ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू कनेक्ट आर बैकएंड विद द डेटाबेस, लिंक एस्टैब्लिश करना है। क्या करना है? लिंक एस्टैब्लिश करना है। हाउ टू डू दैट? बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए आपको। मैंने इसे कॉपी किया, और कहाँ करना है लिंक, ये जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनाई है, ये एसी मर्ज की दवा थी, कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर, मैं इस पे जाता हूँ। देखें, हमने कहा जी डेटाबेस और हमारे बैकएंड के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू मॉडल होगी, तो मॉडल शुड गो इनसाइड द मॉडल फोल्डर, लेकिन उस कम्युनिकेशन से पहले उनका आपस में ताल्लुक तो बनाना है ना, लिंक तो बनाना है ना, कॉन्फ़िगरेशन तो करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग के फोल्डर में आया और मैंने config.js एक फ़ाइल बनाई, और यहाँ पे मैंने ये दो लाइनें जो मोंगूज के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लाइन। एक बात तो तय है कि हम यहाँ रिक्वायर वाला सेंटेक्स यूज़ नहीं कर रहे, तो व्हाट वी विल डू इज कि हम यहाँ पे इसे रिप्लेस करेंगे इम्पोर्ट मोंगूज फ्रॉम। अब जब हमने मोंगूज लिया तो इस मोंगूज के ऑब्जेक्ट में कनेक्ट का एक फंक्शन बिल्ट इन अवेलेबल है, और ये बेसिकली क्या करेगा, इसको आप अपने डेटाबेस सर्वर की यूआरएल दोगे, क्योंकि मोंगो डीबी भी नेटवर्क एप्लीकेशन है, वो भी किसी पोर्ट पे चलती है। तो आप जब ओपन करते हैं ना मोंगो डीबी, तो ये आपको खुद बताता है कि ये किस पोर्ट पे चल रहा है। लेट मी स्टार्ट इट। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट मोंगो डीबी कहाँ चलता है, किस पोर्ट पे? मोंगो डीबी / लोकल होस्ट :27107। ये तो आपको पता है ना 127.0.0.1 लूप बैक एड्रेस है, आपके सिस्टम का ही एड्रेस होता है। यानी लोकल होस्ट को अगर आईपी एड्रेस की फॉर्म में लिखे तो वो क्या बनता है, 127.0.0.1, ये फिक्स है हमेशा। और 127.0.0.1 ये आईपी है, और इसको हम कहते हैं लूप बैक आईपी, यानी आपके अपने सिस्टम की आईपी, लोकल होस्ट की। समझ आ गई बात? तो लोकल होस्ट लिख लें या 127.0.0.1 लिख लें, दोनों का यही मतलब है। बाज़ का हमें एरर आता है कि अगर हमने लोकल होस्ट लिखा हो तो वो नहीं चलाता, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, चेंज करके 127.0.0.1, और बाज़ का अगर ये नहीं चलता तो फिर हम 127.0.0.1 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों में से कोई एक भी चलेगा। ठीक है,
तो अब सर्वर पोर्ट 8000 पे चल रहा है और डेटाबेस पोर्ट 27017 पे चल रही है, और अगर हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन होती तो वो डिफॉल्ट किस पे चलती है, पोर्ट 3000 पे चलती है। तो यानी ये तीनों एप्लीकेशन हमारी फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस तीनों एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे चल रही हैं, क्योंकि पोर्ट क्या है बेसिकली कम्युनिकेशन गेटवे। समझ आ गई ये बात? तो ये जो मैंने लिखा है ना, आप ये सोच सकते थे यार ये इसने ये स्ट्रिंग कहाँ से लाई है, क्योंकि ये कोड मैं कहाँ लिख रहा हूँ, अपनी बैकएंड के, और इसको कनेक्ट किसके साथ करना चाह रहा हूँ, MongoDB। तो कोई ना कोई एंड पॉइंट तो होगा ना, कोई ना कोई लिंक तो होगा ना, वो लिंक ये हमें देता है यहाँ पे। अब उसने ये स्लैश टेस्ट भी दिया है, ये एडिशनल चीज़ है। तो याद रखिएगा कि जो भी आप अपना डेटाबेस नेम देना चाहते हैं आप यहाँ वो लिखेंगे, ये खुद क्रिएट करेगा। हम जाके हमने अपना डेटाबेस डिलीट कर दिया था ना, अब मैं यहाँ देता हूँ ई कॉमर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक व्हाट इट डज इज इट एक्चुअली ट्राइज टू कनेक्ट, और उसके बाद स्लैश ई कॉमर्स का मतलब क्या है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इस नाम की क्या बना लेगा, डेटाबेस बना लेगा, और अंदर कलेक्शन वलेक्शन कुछ भी नहीं बनाएगा, सिर्फ क्या बनाएगा, डेटाबेस बनाएगा। तो कलेक्शन कैसे बनेंगे वो आगे चल बताऊंगा। बहरहाल ये समझ आ गई बात। अब चूंकि जब मेरा सर्वर चलता है तो कन्फिग फाइल में तो सर्वर को ख्वाब आएगी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कन्फिग फाइल में चल रही है, सर्वर को तो नहीं पता ना कनेक्टिविटी किधर है। तो इसका मतलब है मुझे ये वाली चीज़ यहाँ से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके इसे एक्सपोर्ट करना है, और कहाँ यूज़ करना है, सर्वर में यूज़ करना है। तो क्योंकि रिक्वेस्ट तो पहले कहाँ आती है, तो मैं यहाँ पे ये काम करूँगा। इसके दो तीन तरीके हैं लेकिन मैं ज़रा कोशिश करूँगा सिंपल से तरीके। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी ठीक, ये हो गया कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो क्या करे, डेटाबेस से कनेक्ट कर दे। पहली बात, फंक्शन कॉल इधर से तो नहीं होना, कहीं बाहर से होना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर लें। दूसरी बात, आपका सर्वर एक अलग एप्लीकेशन है, डेटाबेस एक अलग एप्लीकेशन है, तो आप रिक्वेस्ट अपनी एप्लीकेशन से बाहर भेज रहे हैं, यू आर नॉट श्योर कि ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं, आर यू श्योर कि नेटवर्क रिक्वेस्ट हमेशा सक्सेसफुल होगी, क्यों, मे बी के डेटाबेस का सर्वर बंद हो, मे बी डेटाबेस इंस्टॉल ही ना हो, मे बी डेटाबेस क्रैश कर जाए। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर केस में ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी। तो इसलिए जिस कोड में पोटेंशियल एरर आने के चांसेस हों उसके साथ हमने क्या किया था, पहले ट्राई कैच, जिस पोर्शन में जिस कोड ब्लॉक में एरर आने का चांस हो उसका एरर कैच करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे अगर इजाजत दें तो मैं इस सारे को उठा के ट्राई कैच में रख सकता हूं। अगली बात, ये रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूं बाहर तो क्या ये सिंक्रोनस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो एसिंक्रोनस के लिए क्या यहां पे फिर ASYNC होनी चाहिए। आप देख ले, मैं सारी चीजों को वन बाय वन पहले रिक्वायरमेंट बता रहा हूं फिर उसको मॉडिफाई कर रहा हूं, ये ठीक है या वो ठीक था, ये ठीक है बिकॉज एसिंक्रोनस, क्यों कि यार जब तक ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी करता बाकी सारे प्रोसेस को होल्ड ना करो, बाकी सारा कुछ एग्जीक्यूट करते रहो, इसको कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज दो। समझ आ गई ये बात? अब अगर इसमें कोई एरर आएगा तो वो एरर कहां खुद ब खुद थ्रू होगा, और यहां पे मैं कह देता हूं जी फिलहाल सिर्फ लॉग कर देता हूं ताकि हमें पता लगता रहे, और इसे कह देता हूं जी कनेक्शन एरर, और साथ में ये भी एरर। समझ आ गई बात? इतना काफी है। अब जरा हम इसको कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। सॉरी, हाँ अभी करना है ना, अभी वो करना है ना लिंक, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, जरा मुझे एक मिनट देखने दें।
ये अवेट आपको क्या रिटर्न करता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? प्रॉमिस नहीं होता। प्रॉमिस में से हम डॉट देन कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सक्सेस के केस में, अगर हमारा कनेक्शन सक्सेस स्टैब्लिश होता है, तो जैसे यहाँ ये लिखा है ना, सर्वर इज लिस्टिंग एट पोर्ट 800, 8000, तो हमें ये लिखा नज़र आया, डेटाबेस कनेक्टेड, बट लेट्स सी इट वर्क्स आर नॉट। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब मैं जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर चुका हूँ, इम्पोर्ट कहाँ करूँगा? सर्वर पे। और मैं चाहता हूँ जो ही सर्वर चले तो फ़ौरन ये क्या कर दे, डेटाबेस कनेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दे। सो लेट्स सी, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी, चूंकि ये फंक्शन है तो यहां पे हम इसे यूं कर सकते हैं, ठीक। अब अगर मैं जाता हूं वापस, ओके, कैन यू सी दिस, इसने यानी ये उस फंक्शन के अंदर गया, इसने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की, जब कनेक्ट होने की कोशिश की तो उसने कहा जी रेस्ट डॉट डेन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि प्रॉबेबली हम यहां पे अवेट कर चुके हैं तो मे बी ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम ये अवेट ना करें वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, कंसोल भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि वो डॉट देन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये लॉग डेटा बेस इज कनेक्टेड और साथ में हम रेस्ट देख, आप ज़रा देखिएगा ध्यान इधर जी भाई, आप ज़रा देख लें, जब ये चला इसने डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश की, और जब कनेक्ट करने की कोशिश की तो ये फंक्शन सक्सेसफुल चल गया, जब ये सक्सेसफुल चला तो वी शुड सी दिस डेटाबेस इज कनेक्टेड और साथ में पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जो कनेक्ट करके उसने रिस्पॉन्स दिया। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके स्टार्ट में जाएं अगर, तो आपको ये मैसेज मिलना चाहिए डेटाबेस इज कनेक्टेड। ये जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्स डिस्प्ले किया, रिस्पॉन्स डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं होती, डेटाबेस कनेक्ट हो गया उसका मतलब मेक श्योर है कनेक्ट हो गया, ठीक है। लेट्स सी ऑल द वे अप, सो कैन यू सी दिस, डेटाबेस इज कनेक्टेड, ये आई हमारे पास यहां से डेटाबेस इज कनेक्टेड, और उसके आगे क्या आ गया, रिस्पॉन्स। और ये जो कनेक्शन की जो वो है ना इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पांस एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट था ना, तो ये रिस्पांस हमें किसने दिया, बेसिकली मोंगूज ने दिया कनेक्शन के बाद, और इस पूरे ऑब्जेक्ट में कनेक्शन की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि किस पोर्ट पे रन हो रहा है, यहां से पोर्ट की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, ये देख लें ये पोर्ट है, किस होस्ट पे रन हो रहा है, डेटाबेस का नाम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने मुझे रिस्पांस में दी है, ठीक है। सो विच ऑब्वियसली आई कैन गेट इट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जी डॉट कनेक्शन या डॉट कनेक्शंस, तो फिर आप आएँ, आपको पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मिसाल के तौर पर, उसके कोई एक की चाहिए, तो अब ज़रा देखिएगा आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है, डॉट कनेक्शंस का, और ये ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, और उसके बाद आप डॉट पोर्ट करें, तो फिर आपको इवन इससे भी छोटी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। डेटाबेस इज कनेक्टेड अनडिफाइंड, ये डॉट पोर्ट नहीं, ये कोई और अवेलेबल है, आप मतलब ड्रिल डाउन कर लेंगे कि डॉट कनेक्शन है या डॉट कनेक्शंस है या क्या है। लेट मी सी, या आप डॉक्यूमेंटेशन से भी देखें, अब ये
डेटाबेस इज कनेक्टेड एट ये वाली पोर्ट। बात समझ आ गई सबको? तो अब हमें ये वाली चीज यानी पूरी की पूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही काफी है, डेटाबेस इज कनेक्टेड एट पोर्ट दिस वन। तो अब आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है, डेट सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट 8000 एंड डेटाबेस इज कनेक्टेड एट पोर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है और उसमें ऑब्वियसली हमने प्रॉपर वो थोड़ी बहुत बेसिक सी एरर हैंडलिंग भी कर ली। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अभी भी जब आप अपने मोंगो डीबी कंपस को ओपन करके देखेंगे तो ये ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ होगा। ये कब क्रिएट होगा? जब हम पहली कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो खुद बखुद साथ डेटाबेस क्रिएट करेगा, ठीक है। सो अभी तक हमारा क्या हुआ है? सिर्फ हमारे सर्वर का हमारे डेटाबेस के साथ लिंक इस्टेब्लिश हुआ है। अब जब लिंक इस्टेब्लिश हुआ है तो अब तो बातचीत हो सकती है ना। मैं आपको फ़ोन मिला रहा हूँ तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके अकर होने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कि आप मेरा फ़ोन रिसीव कर लें। वंस यू पिक्ड अप माई फ़ोन या कॉल तो हमारा क्या हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब हम एक्सचेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, मैं उनकी तरफ बात कर सकता हूँ, वो मेरी तरफ बात कर सकते हैं। यही काम हुआ है यहाँ पे कि वी नीड टू एक्चुअली फर्स्ट इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड डेटाबेस। वंस द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश नाउ वी कैन एक्चुअली एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन। जी सॉरी, रियल टाइम में होता ही ऐसे है। देखिए मैंने आपको कहा कि आप MongoDB को कहाँ होस्ट करेंगे? MongoDB एटलस के ऊपर, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सर्वर है। आप अपने बैकएंड को कहाँ होस्ट करेंगे? मिसाल के तौर पे Heroku पे, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम और सर्वर है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, फ़र्क यह है कि इस URL के बजाय यहाँ पे यहाँ तक ये URL रिप्लेस करके आप क्या दे देंगे? MongoDB एटलस का URL दे देंगे, लाइव URL दे देंगे, बाकी सब कुछ सही रहेगा। सिर्फ आपको ये URL चेंज करना होगा, ठीक हो गई बात? तो ये रियलिस्टिकली दो डिफरेंट सिस्टम भी होंगे, डेटाबेस सर्वर अलग होगा, हमारा बैकएंड सर्वर अलग होगा और हमारी फ्रंट एंड ऐप का सर्वर अलग होगा। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है किसी को? अब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, नाउ वी आर गुड टू एक्चुअली मूव अहेड टू वर्क विद समथिंग एल्स। अब हम अगर जाएं यहाँ पे तो हमें अब कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ? डेटाबेस के साथ। वो कहाँ लॉजिक लिखी जानी है? मॉडल्स के बीच में। और मॉडल्स के बीच में मैंने आपको फॉर्मिक और यप पढ़ाई थी एक चीज़, और मैं यप को छोड़ना चाह रहा था, जिशान साहब ने कहा था नहीं इसको भी पढ़ा के जाएं। अब ज़रा सुन लीजिएगा, यप में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी थी? स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन। और स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन का मतलब क्या है कि यप में हम पूरा का पूरा स्कीमा पहले से डिफाइन करते थे कि हमारे इस पूरे फॉर्म में इतनी फील्ड्स होंगी और उन पे ये वैलिडेशन रूल्स लगे होंगे। मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम था तो वो रिक्वायर्ड होता, उसके मिनिमम 5 लेटर्स होते, मैक्सिमम 15 लेटर्स होते, वगैरह वगैरह। तो वो सारा का सारा हमने क्या बनाया था? स्कीमा बनाया था। नाउ मॉडल्स में भी हम क्या बनाएंगे, यानी मॉडल्स को अगर आप फर्दर डिवाइड करें ना, ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक स्कीमा एक मॉडल। यानी बेसिकली तो मॉडल ही होता है, लेकिन मॉडल को बेसिकली क्या चाहिए होता है? स्कीमा चाहिए होता है। मॉडल नहीं, यप नहीं करेंगे, लेकिन उसी तरह का एक स्कीमा बनाएंगे, यानी तरीका वही होगा, तर्ज वही होगी। यहाँ पे स्कीमा जो बनेगा वो मोंगूज से बनेगा, समझ आ गई बात? तो मॉडल्स के अंदर हमने सबसे पहले जाके क्या करना है? स्कीमा बनाना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। सो लेट्स सी, तो मॉडल्स के अंदर अभी मैं किस रिसोर्स से रिलेटेड काम कर रहा हूँ? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसको नाम क्या दूंगा? प्रोडक्ट SCHEMA.js। देखें, जब मैंने कंट्रोलर बनाया प्रोडक्ट के लिए तो क्या का नाम दिया? प्रोडक्ट कंट्रोलर। जब राउट्स बनाए तो क्या नाम दिया? प्रोडक्ट राउट्स। जब स्कीमा बनाया तो क्या नाम दिया? प्रोडक्ट स्कीमा। समझ आ गई ये बात? अब जरा वापस आए मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन में और इसके रीड द डॉक्स के सेक्शन में जाएं, और यहां से सबसे पहले, बल्कि उसने खुद ही हमें ला के कहां खड़ा किया? स्कीमा पे खड़ा किया। अब थोड़ा सा नीचे आए तो आप सिंपली इन दो चीज़ों को कॉपी करें। हम जब कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तो ऑब्वियसली पहला काम है उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, कर दिया। दूसरा काम है ये मोंगूज के ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है स्कीमा के नाम से, हमने उसे डिस्ट्रक्चर कर लिया।
और अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई मसला नहीं, डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है इसमें, कोई हर्ज नहीं है। स्कीमा लाइब्रेरी नहीं है, बेसिकली मोंगूज लाइब्रेरी है। मोंगूज को इस्तेमाल करके हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, यानी स्कीमा नाम का एक ऑब्जेक्ट है। अब ये देख लेना, ये स्कीमा क्या हो रहा है, ये राउंड ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट किस लिए? तो कर्ली ब्रैकेट से क्या चीज़ डिस्ट्रक्चर होती है? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट किस में पड़ा हुआ है, देख के क्लियर नहीं हो रहा? तो इसका मतलब मोंगूज के अंदर स्कीमा नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद है, हम उसको डिस्ट्रक्चर करें। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है। यप में जो स्कीमा बनाया था वो क्या था? स्ट्रक्चर था ना, जिस स्ट्रक्चर को फॉर्म में आने वाला डेटा फॉलो करता था, ये भी स्ट्रक्चर ही होगा। और डेटाबेस में जाने वाला और डेटाबेस से आने वाली हर इंफॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। नहीं, यप यहाँ के लिए नहीं, यप तो मैंने जस्ट रेफरेंस दिया है कि जब स्कीमा था बिल्कुल उसी तरह का स्कीमा, यप की यहाँ जरूरत है ही नहीं, वो फ्रंट एंड के लिए होता है। यहाँ मोंगूज का स्कीमा चलता है। ठीक, आगे आए। अब ये उसने इनिशियल स्कीमा दिया हुआ है, लेकिन इस इनिशियल स्कीमा के बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा, आपको सिर्फ खुद से क्रिएट करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे लिया है जी कि एक लफ्ज़ बोला न्यू स्कीमा, यानी यही स्कीमा का ऑब्जेक्ट यूज़ किया। ये एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, मतलब फंक्शन कंस्ट्रक्टर नॉर्मल कैपिटल वर्ड में स्टार्ट होता है अगर आपको अंदाज़ा हो, और अगर आपको नहीं भी अंदाज़ा तो ये इसकी डेप्थ में जाना इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त नहीं है फिलहाल, बेसिकली इस वक्त जस्ट गेट द थिंग डन। ये जो स्कीमा का ऑब्जेक्ट है ये एक लेता है ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, यप में भी यप डॉट ऑब्जेक्ट राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते थे, ठीक है, यहां भी यही काम हो रहा है। अब इसके अंदर आपने अपने इस पर्टिकुलर रिसोर्स का सारा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, जैसे इन्होंने बोला, यानी एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर से मुराद प्रोडक्ट की कितनी फील्ड्स होंगी, किस फील्ड की कौन सी टाइप होगी, और कौन सी फील्ड जो है उस पर क्या वैलिडेशन होगी। अभी मैं करता हूं, आपको समझ आ जाएगी। मैं कहूंगा जी प्रोडक्ट की सबसे पहली फील्ड होगी टाइटल। अच्छा, आईडी हम खुद नहीं क्रिएट करते क्योंकि हमने देख लिया कि MongoDB हर आने वाले ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट की आईडी खुद यूनिक देता है, उसको इंट्रोड्यूस कर देता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं जी टाइटल। अच्छा, ये जो टाइटल है ये फील्ड का नाम है, यानी मेरी डॉक्यूमेंट में कितनी फील्ड्स होंगी वो सारी की सारी मैं उनका स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन करूंगा। तो टाइटल क्या होगा, स्ट्रिंग या नंबर? स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी टाइटल शुड बी, अब समझ आई कि ये स्ट्रक्चर ही है, या मेटा डाटा कह लें। टाइटल के बाद क्या है जी, description, डिस्क्रिप्शन, ये भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। उसके बाद क्या है जी, प्राइस, That is going to be number. तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, टाइप स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होती हैं हर वेरिएबल्स की, यहाँ वो जाहिर है वेरिएबल्स तो नहीं है यहाँ, तुसी कंपेयर कर लो ना। मैं वही ये नहीं कह सकता कि चीज़ तो वही है क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा हूँ और मुझसे फिर इस लोग इस बात का जवाब पूछेंगे ये भी टाइप स्क्रिप्ट ही है, तो ये टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, बेशक दिखने में ऐसी है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम शक्ल में देखने में ऐसी लगती है। उसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है जी, डिस्काउंट, UNT, ये भी नंबर होगा, यानी 10 डिस्काउंट है, 20 डिस्काउंट है, तो हम उस नंबर को फिर परसेंटेज में खुद ही बदल लेंगे। सॉरी, चलें जी इमेज कर लेते हैं, इमेज का बार बार क्वेश्चन हो रहा है बेटा, IMAGE, और ये जो इमेज है बेसिकली ये यूं होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि डेटाबेस में हम इमेज का पाथ सेव करते हैं, फाइल हम खुद सर्वर के किसी फोल्डर में, यानी यहाँ एक हमने फोल्डर बनाया होगा अपलोड्स के नाम से, तो जितनी भी फाइल होंगी वो इस फोल्डर में जाएंगी लेकिन उनका पाथ यहाँ इमेज में जाएगा। अब आपके पास पता है आपको इमेज मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जब ई कॉमर्स में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके 6-7 इमेजेस हो सकते हैं ना, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, अरे नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स।
समझ आई बात? ये साथ साथ आप यहाँ पे देख लिया करें सारा कुछ, ये बेहतर होता है। ये देख रहे हैं आप कमेंट्स क्या है बेसिकली, अरे क्योंकि कमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक। तो मैं इस अरे पे वापस आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको एज अ स्ट्रिंग रख रहा हूँ। तो ये एक बेसिक सा स्कीमा बन गया, ये क्या बन गया? जी जी बोले जी सर, 2 मिनट तक मीटिंग एंड हो जाएगी वो आप बता। मैं रीशेयर कर दूंगा, मैं चाहता हूँ ये टॉपिक बेसिक कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट एक ऑपरेशन, मैं लिंक रीशेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, लेकिन ये बहुत बेसिक है और ये मैंने इसको फॉलो किया यहाँ तक। ये तो मतलब ज़्यादा ही बेसिक है। हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो हम बजाय यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग लिखने के, जब भी फील्ड का नाम लिखें तो उसके आगे एक ऑब्जेक्ट लिख दें, उस ऑब्जेक्ट में इस फील्ड से रिलेटेड सारे रूल्स लिख दें। मिसाल के तौर पे इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। अब यहां जिस तरह आपने यप के स्कीमा के रूल्स लिखे थे, यहां भी सारे के सारे क्या लिख सकते हैं आप, रूल्स लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे कहता हूं जी रिक्वायर्ड ये हो जाएगा जी ट्रू, क्योंकि जाहिर है प्रोडक्ट का टाइटल आप खाली नहीं छोड़ सकते। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं और उसका टाइटल ही नहीं है तो प्रोडक्ट ना होगा ना। यस, अब फ्रंट एंड से सारी वैलिडेशन कंप्लीट करके भेजिए तो आप बैक एंड पे भी वैलिडेशन करेंगे। रीजन बीइंग कि हो सकता है कि ये एपीआई आपकी एपीआई कोई मोबाइल ऐप भी यूज करे, क्योंकि बैक एंड अलग एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड अलग एप्लीकेशन है। तो ये आप अगर दोनों जगहों में वैलिडेशन करेंगे तो ये डबल सिक्योरिटी हो जाएगी, एक्स्ट्रा चेक हो जाएगा, एक फायदा। दूसरा फायदा, अगर कोई बंदा आपका फ्रंट एंड यूज ना करना चाहे, वो आपको कहे जी मुझे आप अपनी एपीआई दे दें, मैं अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करूंगा, तो फिर आपकी एपीआई में तो प्रोटेक्शन और वैलिडेशन होनी चाहिए ना। अपलोड यहां आराम से नहीं करेंगे ना, जब दोनों वैलिडेशन पास होंगी तो फिर अपलोड करेंगे। फ्रंट एंड से अगर आप नहीं, फ्रंट एंड भी शो नहीं होगा, हम यहां से मैसेज भेजेंगे, हम फ्रंट एंड से वैलिडेशन पास करके बैक एंड पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर डेटाबेस में रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेव हो जाएगी तो फिर हम यहां से सक्सेस का मैसेज भेजेंगे, उस सक्सेस के मैसेज को फ्रंट एंड देखेगा और फिर बात आगे चलेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप जीएचक्यू के दरवाजे पे जाएं ना, मैं बार बार जीएचक्यू की मिसाल दे रहा हूँ, जीएचक्यू के दरवाजे पे जाएं तो वहाँ गेट पे आपकी बेसिक स्क्रूटनी होगी, लेकिन गेट की स्क्रूटनी के बाद जब आप अंदर चले जाएंगे तो इसकी कोई अश्योरिटी नहीं होगी आपको अंदर किसी ऑफिस में भी जाने दिया जाएगा। अंदर जाके फिर आपको चेक, आप कहेंगे जी बाहर चेक कराए, उन्होंने जी बाहर को छोड़ो, गोला मारो, वो चेक हो गया हो गया, इतने ऐसे चेक करना हो थले, समझ आ गई बात? सो वी हैव टू एक्चुअली मेक श्योर, इसलिए हम स्कीमा डिफाइन करते हैं कि स्कीमा में ये सारा कुछ खुद बहुत ऑटोमेटिक चल रहा होता है, चेक एंड बैलेंस। ये एक रीजन है, वरना अगर स्कीमा नहीं करेंगे तो मैनुअल तरीका ही नहीं है डेटाबेस तक जाने का, ठीक है ना। तो डेटाबेस की कम्युनिकेशन के लिए लाजमी आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई ORM चाहिए या कोई ना कोई ODM चाहिए। तो ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, ODM है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, एक मिनट, वो मुझे ऑनलाइन में कह रहे थे जी कि शायद मीटिंग एंड हो जाएगी, सो इट गॉट एंडेड, सो लेट मी शेयर इट अगेन। मैं चाह रहा हूँ आपको वीकेंड आ रहा है ना, तो ये एक ऑपरेशन एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत खुद R&D कर लें, एक्सप्लोर कर लें। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया जी सबको। अब मैं यहां पे, मैंने कहा जी रिक्वायर्ड क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा, अगर ये रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब ये टाइटल फील्ड खाली नहीं आनी चाहिए फ्रंट एंड। अगर खाली आ जाए तो क्या करें, इसको भी आप आगे से यूं दे दें, रिक्वायर्ड ट्रू है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड है और कोई वैल्यू नहीं आई तो फिर ये एरर मैसेज दे दो, प्लीज प्रोवाइड दी। समझ आ गई बात? जाएगा कैसे, ये आपका और मेरा हेडेक नहीं, ये खुद भेजेगा। आपने इसे बता दिया जी कि ये रिक्वायर्ड है और अगर टाइटल ना आए तो तुमने ये देना है, पहुंचाएगा ये खुद, इसका अपना काम है। तो ऐडी टेंशन नहीं लेनी, मासूम से दिमाग पे इतना जोर नहीं डालते, ठीक है। समझ आ गई बात? अब
आगे चल के मैं कहूंगा जी कि इसकी मिनिमम लेंथ, अच्छा ये सारे रूल्स जो मैं लिख रहा हूँ मुझे तो जुबानी याद है, आप कहाँ से देखेंगे? अगर यहाँ पे आए ना तो ये नज़र आ रहा है आपको स्कीमा वैलिडेशन, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको ये सारे के सारे रूल्स यहाँ कहीं नज़र आएंगे। देख रहे हैं आप, टाइप मिन, अगर ये नंबर है तो मिन है, और अगर स्ट्रिंग है तो क्या होगी, मिन लेंथ होगी। तो ये रूल सारे के सारे यहाँ से आप दे सकते हैं, मिन है, मैक्स है, वैल्यू मैसेज है, इनम है, वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जी कि अगर टाइटल में जो मिनिमम लेंथ है, टाइटल की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ मिसाल के तौर पे 5 होनी चाहिए, और अगर 5 ना हो तो टाइटल शुड हैव एट लीस्ट 5 चार्स। और फिर इसी तरह यहां पे क्या करें, मैक्स लेंथ करें, और ये बिल्कुल ओपन आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके वहां से ये देख के कर सकते हैं, 20 हो, और अगर 20 ना हो तो टाइटल यस एक्सीड 30, मेक सेंस? तो बस जैसे आपने ये किया है वैसे ही सारी कहानी इसके साथ भी डालें, यानी इसको बजाय सिंपल स्ट्रिंग लिखने के यहाँ पे क्या लिख दें, तो डिस्क्रिप्शन के लिए तो लिमिट कोई नहीं होनी चाहिए ना, सिर्फ रिक्वायर्ड होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन, बल्कि रिक्वायर्ड भी नहीं होती, नॉर्मली डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है, कोई बंदा डिस्क्रिप्शन दे या ना दे, ठीक है, लिमिट बना लें अगर होती है, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, फिर जनाब प्राइस में ये आ जाएं, प्राइस में टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, और प्राइस की लिमिट ये ना हो कि 5 लाख प्राइस लगा दे, तो प्राइस की मिन लेंथ नहीं होगी बल्कि क्या होगा, सिर्फ मिन होगा क्योंकि नंबर आई है, और ये क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जीरो नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट आपका अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो 100 से नीचे किसी की प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखें, प्लीज प्रोवाइड द प्राइस, और मिनिमम प्राइस शुड बी 100, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 10,000, या आप अपनी मर्जी, मैक्सिमम प्राइस शुड बी वगैरह वगैरह। ठीक, अब आते हैं जिन चीजों पे जिनके आगे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, मिसाल के तौर इमेज, ये भी यही कर लें, डिस्काउंट भी, मिनिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 का मतलब 0% डिस्काउंट, और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, 80%, ये ना हो कि 100% ही डिस्काउंट दे के बैठे हों, पता लगे मुफ्त प्रोडक्ट है। हम इस स्कीमा को अपडेट करते रहेंगे जो जो हम एक कंप्लीट, अभी तक मैं सिर्फ इस इन फील्ड्स के साथ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर प्रोडक्ट का पूरा स्कीमा बनाएंगे, ठीक है, जो जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए, हाँ हाँ इसी में करेंगे, और किस में करेंगे, अच्छा ये मिनिमम तो कोई, हाँ 0 नेगेटिव ना होता आगे, इसलिए ये ना कोई नेगेटिव डिस्काउंट दे दे, उल्टा कस्टमर से चार्ज करे डिस्काउंट की मद में, मैक्सिमम डिस्काउंट शुड बी 80, और इमेज के लिए क्या करना है आपको, अब इमेज के लिए ये करें, इमेज में बुनियादी तौर पे यानी मल्टीपल इमेज हो सकते हैं ना, एक प्रोडक्ट के 4 इमेज, 5 इमेज, इसी तरह इमेज के वेरिएंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, इमेज के कलर, सॉरी इमेज नहीं, प्रोडक्ट के वेरिएंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, एक अरे करें, और उस अरे में क्या करें, यानी जाहिर है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, और इसकी रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल है, कोई बंदा दे तो ठीक है, ना दे इमेज तो तब भी बिस्मिल्लाह,
तो ये आपको सिंटेक्स शुरू में थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली ये सब कुछ सीधा हो जाएगा, ठीक है? मतलब जब आप थोड़ा सा ज़ाहिर है प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट मी गो हैड टू द स्कीमा एज वेल। और ये देखें, जैसे कमेंट्स है, तो कमेंट्स में क्या खींची जाती है, कमेंट की बॉडी होती है स्ट्रिंग टाइप की और कमेंट की डेट होती है, ठीक? तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, चलें ये भी दे देता हूँ, ये टाइप डायरेक्ट नहीं देनी, बल्कि मैं कहता हूँ जी कि सिर्फ URL, और URL किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग का। अब ये जो इमेज की फील्ड होगी, ये एक अरे स्टोर करेगा और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और हर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इमेज का सिर्फ URL, ठीक? इमेज की बाकी इन्फॉर्मेशन भी सेव कर सकते हैं, इमेज का नेम भी सेव कर सकते हैं, इमेज का साइज़ भी सेव कर सकते हैं कि इमेज कितने साइज़ का है, वैलिडेशन वगैरह या बाकी किसी पर्पज़ के लिए। तो जब आप किसी फील्ड के अगेंस्ट अरे स्टोर करना चाहें तो उसका ये तरीका है, ठीक? सॉरी, अब वैलिडेशन तो ये भी हो सकती है ना कि अगर आप यहाँ पे इमेज URL की वैलिडेशन करते हैं, या यूँ कह लें जी कि इमेज साइज यहाँ पे अगर वैलिडेशन करते हैं, तो साइज में फिर आप क्या कर लें, ऑब्जेक्ट दे दें, टाइप क्या होगी साइज की, नंबर, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, और क्या करना है। और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँ, या ब्रेक डाउन ना भी करूँ, एक ही लाइन में जाने, तो नंबर के बाद साइज रिक्वायर्ड हम नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज का साइज यूजर ने थोड़ा ही देना होता है, वो हमने इमेज से खुद ही एक्सट्रैक्ट करना होता है। बहरहाल आप यूं दे सकते हैं, रिक्वायर्ड है या, ठीक है? तो अब ये एक अरे ऑफ इमेजेस सेव करेगा, उस अरे ऑफ इमेज में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, दो, URL और साइज। मेक सेंस? और ये एग्जैक्टली मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे देखें, बॉडी स्ट्रिंग और डेट क्या है, डेट की टाइप उसने कैपिटल डेट ही दे दी। अब इसी तरह आपके पास मे बी आपने देखा होगा कि आपकी वो रेटिंग वाला एक भी था प्रोडक्ट का, तो रेटिंग में उसने क्या दिया हुआ था, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट में हम फिर एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में कितनी फील्ड्स हैं, दो, एक है हमारा काउंट, काउंट की टाइप क्या है, नंबर, और दूसरा क्या है हमारा, अच्छा ये चूंकि हमने ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट नॉर्मली किस पैटर्न को फॉलो करता है, की और वैल्यू पेयर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे पहले क्या देंगे, पहले देंगे काउंट, और काउंट में हम बेसिकली क्या देंगे, बस ये आपने सेंटेक्स में थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक हो की बात? अब काउंट में वैलिडेशन चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे जी, क्योंकि नहीं, काउंट में नहीं वैलिडेशन चाहिए, रेटिंग में वैलिडेशन चाहिए, रेटिंग मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है, तो ये तो टाइप नंबर, ठीक है, यहाँ जाएं और इसे क्या कह दें, रेटिंग, और रेटिंग की जो टाइप होगी वो क्या होगी, नंबर होगी, और जो रेटिंग की मिनिमम रेटिंग है दैट शुड बी व्हाट, 1, और मैक्सिमम 5, सॉरी, मिनिमम 1 इज अलाउड। इसी तरह ये तो हो गई आपकी मेन, नहीं, इसी डेटाबेस में, क्योंकि हर प्रोडक्ट की रेटिंग अपनी होगी ना, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी रेटिंग होगी, तो हर प्रोडक्ट के साथ जब आपने API एक्सेस की है प्रोडक्ट की, तो उसमें रेटिंग अलग थी, सेम प्रोडक्ट के साथ आ रही थी ना, तो ये जब जो जो नेस्टेड प्रोडक्ट होता जाएगा ना, तो ये आपको कन्फ्यूज़ ना करे, इसलिए आप बेहतर है कि क्या कर लें, सारों की लाइन ब्रेक्स कर लें। तो मैंने ये कर लिया मेन के लिए, और इसी को कॉपी पेस्ट करके मैक्स 5 इज अलाउड, और यहाँ पे क्या कर लें, मैक्स, और यहाँ पे दे दें कॉमा। समझ आ गई बात? अब
रेटिंग बेसिकली एक फील्ड थी, उस रेटिंग की फील्ड में हमने दो चीज़ें सेव करनी थी, काउंट काउंट की टाइप क्या थी हमारी नंबर, फिर रेटिंग सेव करनी थी, रेटिंग की हमारे पास टाइप नंबर है, मेन ये है, मैक्स ये है। तो यूँ मेरे ख्याल में मैंने अरे भी कवर कर ली है, मैंने ऑब्जेक्ट भी कवर कर लिए, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी कवर कर लिए, इसी तरह ये जितनी मर्जी नेस्टिंग करते जाएँ वो चलती जाएगी। तो दैट इज़ द कम्प्लीट स्कीमा। अब जाहिर है इस स्कीमा को मुझे कहीं यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या करता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट एस सी एच ई एम ए, क्योंकि इसी स्कीमा की बेस पे मुझे अब मॉडल बनाना है। क्या बनाना है? मॉडल बनाना है, और वो मॉडल बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कहेंगे सर सारी बातों में आप यही कहते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो एंड पे तो रॉकेट साइंस ही खुलती है, क्रिएटिंग अ मॉडल। ठीक है, मॉडल कैसे क्रिएट होता है? इट्स वेरी सिंपल। अगेन ये जो मोंगूज की लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट की ना, इसी के बिल्कुल एन नीचे आप आएं और यहां पे लिखें मोंगूज डॉट एम ओ डी ई एल मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मॉडल का फंक्शन बिल्ट इन है मोंगूज के अंदर, ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर है मॉडल का नेम। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो नाम आप यहां देंगे मॉडल का, एग्जैक्टली इसी नाम से डेटाबेस में कलेक्शन क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? इसलिए जरा इसको ध्यान से देना है। तो मैं देता हूं जी प्रो डी यू सी टी डॉक्ट। अब याद रखिएगा मॉडल का नाम आप सिंगुलर देते हैं, जब ये बनेगा तो इसके साथ ये खुद एस लगा देगा, यानी जब कलेक्शन क्रिएट होगी तो ये प्रोडक्ट की नहीं होगी बल्कि प्रोडक्ट। जब यूजर का मॉडल होगा तो वो क्या करेगा? यूजर्स। समझ आ गई बात? तो यानी जो भी आप मॉडल का नाम देंगे इसी नाम की वो प्लूरल बना के कलेक्शन क्रिएट करेगा। फिर कलेक्शन क्रिएट करे तो फॉलो किसको करे? इसी स्कीमा को जो अभी आपने क्रिएट किया है। मेक सेंस? यहां तक समझ आ गई है? और ये चीज हमें वापस रिटर्न कर दे और आप उसको कॉन्स्ट पी आर ओ डी यू सी टी, नॉर्मली प्रोडक्ट को यानी जब आप इसे सेव करते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये कन्वेंशन है। और अब चूंकि ये मॉडल हमने हर जगह यूज करना है तो हम इसे कहते हैं जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट। बस इंपोर्ट करना है ना, मतलब स्कीमा क्रिएट हो गया। बेसिकली हम क्रिएट क्या करने आए थे मॉडल के फोल्डर में? मॉडल क्रिएट करने आए थे ना, तो मॉडल को क्या चाहिए था? स्कीमा चाहिए था। बस अच्छा चलें कोई बात नहीं, बस कर देते हैं, मुझे तो कोई इशू नहीं। तो बेसिकली अच्छा चीज़ें बड़ी सिंपल है, मैंने एक्सप्लेनेशन करने में काफ़ी ड्रैग डाउन किया है इसको, क्योंकि आपको इसकी बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट भी समझाने थे। बहरहाल 5 मिनट में गो कर दें, वो तो वीडियो दोबारा देखेंगे तो पूरे घंटे में गो कर लें आप खुद जाके। अभी इसको मुझे एक बेसिकली हमें मॉडल्स क्यों चाहिए? क्योंकि डेटाबेस में हम कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस के साथ, तो एमवीसी को याद करें कंट्रोलर बिजनेस लॉजिक के लिए और मॉडल डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए। ये मॉडल बनाते किससे हैं? मोंगूज की लाइब्रेरी की हेल्प से। और मॉडल को क्या चाहिए? स्कीमा चाहिए। तो फिर हमने पहले स्कीमा बनाया, स्कीमा को मॉडल में पास किया और उसका रेफरेंस यहां स्टोर कर लिया। अब जब इसको इंपोर्ट करके कॉल करेंगे तो ये इस नाम की कलेक्शन इस नाम के डेटाबेस में जाके खुद क्रिएट कर देगा। अब आखिरी स्टेप पे 2 मिनट लगने हैं, चेक भी हो जाएगा हमने सब कुछ ठीक किया है, कोई एरर किया तो हमें अभी समझ आ जाएगी। कर दें इजाजत हो तो 3 मिनट लगने हैं। अब मुझे जरा याद रखिएगा कि यहां से मैंने आउट कर दिया, ये भी नहीं चाहिए अब, प्रोडक्ट राउटर भी नहीं चाहिए, कंट्रोलर में आ जाए तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आके सर्वर पे पहुंच रही है ना, और वो न्यू प्रोडक्ट मुझे यहां रिसीव हो रहा है ना। अब मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ से कहाँ भेजना है? डेटाबेस में भेजना है। और डेटाबेस में कम्युनिकेशन किसके जरिए होनी है? मॉडल के जरिए। तो मॉडल हमारे पास पहले है, लेट्स इंपोर्ट इट। इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मॉडल्स एंड दिस सेंस, और जिसका खतरा था वही हुआ।
हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, मुबारक हो। ठीक है, सो लेट्स सी। इसीलिए मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट ये एरर हम मंडे को आगे पहला एरर ना ये फेस करें। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट की जगह हम करते हैं जी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब जब यहाँ से डिफॉल्ट किया तो यहाँ इम्पोर्ट भी क्या होना चाहिए? अच्छा पहले हम वहाँ से इसको हमें राउंड ब्रैकेट में रखना चाहिए था, ये एरर था मेरे ख्याल में। लेट्स सी अभी एरर आया ये नहीं आ रहा। और नाजरीन व हाजरीन हमें फिर भी एरर आ रहा है, वो कह रहे जी प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। ये जो नाम है ना ये तो हम वेरिएबल का नाम है ना, ये तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। वो मैंने इसके बारे में बताया कि ये प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन क्रिएट, ये तो वेरिएबल है जस्ट। लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। Mongoose dot model. Okay जी, just to bring it into the recording, हमने जो error fix किया वो इस वजह से कि यहाँ हम ये काम कर रहे थे export const product, तो हमने we replaced it with kind of this thing और it stopped showing error. एंड इवन दो अब हम ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अभी हमने सेव नहीं किया, अभी हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमारा ये चल रहा है या नहीं चल रहा। यस चल रहा है। तो अब हम ये जो प्रोडक्ट के वेरिएबल में जो मॉडल वहाँ से एक्सपोर्ट किया है उसे हमने यहाँ पे क्या कर दिए, इम्पोर्ट कर दिए। अब ये जो प्रोडक्ट का मॉडल है इसको इस्तेमाल करके हम पूरे क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटाबेस में रिकॉर्ड भेज सकते हैं, डेटाबेस से रिकॉर्ड ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड भेज के देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये प्रोडक्ट का वेरिएबल तो हमने खत्म नहीं कर दिया, कॉन्स्ट जो प्रोडक्ट लिखा हुआ था। कर दिए, बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छा ये नॉर्मली एक दफा पहले भी ये सवाल हुआ है, जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखते हो और आगे कोई वेरिएबल नहीं लिखते, यानी आप जब एक्सपोर्ट लिखते हो और उसके आगे कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो, और जब इस फाइल को, इस पर्टिकुलर फाइल प्रोडक्ट स्कीमा डॉट जेएस को कहीं इम्पोर्ट करते हो, तो इस इंपोर्ट को नाम कुछ भी दे सकते हो, तो ये उस वेरिएबल में जाकर ट्री, यानी इस फाइल से जो कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है ये वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यानी अभी यहाँ से पूरा का पूरा क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, इस पूरे के पूरे फंक्शन का आउटपुट। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप इसको कट करें यहाँ से, अगर आप इसमें कन्फ्यूज हैं तो आप इसको लिखें जी कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस और फिर ये करें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट। ठीक, आप ये करें या आप इसको यहाँ पे कोई नाम ना दें और इसको यहाँ कोई नाम ना दें और वो नाम इसको यहाँ दे दें, इस नाम में रिसीव कर लें, दैट्स द सेम थिंग। ओके, जब आप किसी चीज़ को एक फाइल से एक्सपोर्ट करते हो और दूसरी जगह पे जाके इस फाइल को इम्पोर्ट करते हो, तो इसका मतलब है इस फाइल से क्या चीज़ इम्पोर्ट होगी, जो कुछ भी वहां से एक्सपोर्ट हुआ है। अब जो कुछ भी वहां से एक्सपोर्ट हुआ है तो उसको जाके यहां नेम दे दो या उसको आगे यहां नेम दे दो, बोथ मेक सेंस। क्लियर हो गए जी सर? क्लियर है। ऑनलाइन जिनका सवाल था, ठीक है चले लेट्स सी। और आप यह देख रहे हैं वो भी काम कर रहा था और अब हमने एक्सप्लिसिटली नाम यहां दे दिया और आपका ऑब्जेक्शन था तो हमने ठीक है यहीं रिसीव कर लिया वो नाम। लेकिन बाय द वे वो सिंटैक्स भी आपको पता होना चाहिए, गालिबन एक दफ़ा पहले फ्रंट एंड में भी ये सवाल किसी ने पूछा था मुझसे कि जी उधर हम उस नाम से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इधर हम उस नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये नाम कहाँ से आया बीच में? किसने पूछा था पता नहीं, लेकिन बहरहाल अब मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा और ये बेसिकली मेरा मॉडल है। जितनी भी कम्युनिकेशन इस पर्टिकुलर कलेक्शन की जितनी कम्युनिकेशन होगी वो इस मॉडल के थ्रू होगी। तो हमने ये कम्युनिकेशन यहाँ करनी है क्योंकि जब भी कोई क्रिएट न्यू मॉडल हिट होगा, ये कब हिट होगा, जब यूज़र कोई रिक्वेस्ट पोस्ट की डालेगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ से हमने इस इन्फॉर्मेशन को उठा के कहाँ से भेजना है, डेटाबेस में भेजना है। आखिरी लिमिटेशन ये है
कि जो डेटा का स्ट्रक्चर फ्रंट एंड से भेजा जा रहा है ना, वो स्ट्रक्चर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए किसके साथ, हमारे स्कीमा के साथ। किसके साथ मैच होना चाहिए? हमारे स्कीमा के साथ, अदरवाइज प्रॉब्लम देगा, क्योंकि स्कीमा हमने रखा ही किसके लिए, चेक के लिए ना। तो पहले मैं बता दूं कि डेटाबेस की कम्युनिकेशन कैसे होगी, फिर मैं मैच करता हूं इस चीज को। आप सिंपली लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट क्रिएट प्रोडक्ट, जो है वो मॉडल है जो हमने खुद बनाया है। अजान हो जाए, बुरी बात है यार, सॉरी। प्रोडक्ट एक मॉडल है और इस मॉडल पे हमारे मोंगूज की तरफ से बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। क्रिएट का फंक्शन, फाइंड का फंक्शन, फाइंड बाय आईडी का फंक्शन, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का फंक्शन, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का फंक्शन, और आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो फंक्शन आप सोच रहे हैं अपने जहनों में वो यहाँ अवेलेबल है। क्रिएट का फंक्शन किस लिए अवेलेबल है? आप सिर्फ इस क्रिएट के फंक्शन में वो ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो डेटाबेस में आप भेजना चाहते हैं, ये खुद बहुत सारा कुछ बाकी काम करेगा। फाइंड का फंक्शन किस लिए है? आप डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड वापस फाइंड करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। फाइंड बाय आईडी का मतलब आप सिंगल रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का मतलब कोई आप एक रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का मतलब आप कोई एक आईडी डिलीट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मॉडल के साथ डॉट क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? डेटाबेस में जाएगी। तो ये सिंक्रोनस होनी चाहिए, तो सिंक्रोनस के लिए, एसिंक्रोनस के लिए क्या करेंगे? अवेट। तो जिसके साथ अवेट हो उसके लिए क्या होना चाहिए? मेक सेंस? यहां तक कोई मसला? अब यहां मुझे क्या पास करना है? न्यू प्रोडक्ट, जो कहां से आ रहा है? फ्रंट एंड से आ रहा है। लेकिन मसला क्या है? फ्रंट एंड से आने वाले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और मेरे स्कीमा का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड से कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है? लेट्स सी, लेट्स मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट राइट इन हेयर। तो फ्रंट एंड से आपके पास आ रहा है ये स्ट्रक्चर, क्या? टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ये तो हमारे पास बैक एंड पे नहीं है, तो हमने इसको मैच करना है किसके साथ? उस स्ट्रक्चर के साथ जो हमारे स्कीमा में है। सो लेट्स डू दैट। मैं एहतियातन, जस्ट ताकि मुझे बार बार कॉपी ना करना पड़े, इस पूरे स्कीमा को कॉपी करता हूँ और एक दफ़ा फॉर्मेट बना लेता हूँ, बाकी दफ़ा के लिए तो ये सेव हो जाएगा ना खुद ब खुद। तो मैं यहाँ पे क्या दूँ, इन सारे रूल्स को फॉलो करती हुई वो इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट में देता हूँ इसको 10। फॉलो कर रही है ना सारे रूल्स को, 0 से ऊपर है, 100 से नीचे है, रिक्वायर्ड भी है। फिर रेटिंग के लिए मैं क्या दूँ? रेटिंग का क्या होना है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होना है। उस ऑब्जेक्ट में मैं रेटिंग दे देता हूँ इसको जी 4.3, और काउंट दे देता हूँ जी, अभी डमी काउंट दे देता हूँ जी, मिसाल के तौर पे 45। नॉर्मली ये काउंट हमने नहीं देना होता, ये काउंट ऑटो कैलकुलेट होना होता है, लेकिन चलें फॉर नाउ हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो हम जाहिर है वो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। बहरहाल फिलहाल यही ठीक है। इमेज में क्या होना चाहिए हमारे पास? अरे होनी चाहिए। और अरे में क्या होना चाहिए? दो चीज़ें होनी चाहिए, एक यूआरएल और एक, यानी अरे में क्या होना चाहिए हमारे पास? एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास? अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बिल्कुल आपने एग्जैक्ट, एक ऑब्जेक्ट, यानी चूंकि ये मल्टीपल इमेज भी हो सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हर इमेज के दो चीज़ें होंगी। क्या क्या? एक होगी यूआरएल। अब चूंकि हमारे पास इमेज की यूआरएल नहीं है, तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग भेज देता हूँ फिलहाल, लेकिन भेजनी ज़रूर है क्योंकि हमने उसको मैच करना है। और दूसरी क्या थी हमारे पास? साइज़। तो साइज़ हमने क्या दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ जी इतने बाइट्स का साइज़ है। ये एक इमेज। अगर हमें दूसरा इमेज भेजना है तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? कॉमा डाल के ये प्रोडक्ट के दो इमेज, कॉमा डाल के प्रोडक्ट के तीन इमेज। तो जितने मर्जी इमेजेस आप सेव करना चाहें इमेज के सेव कर सकते हैं। इसी तरह कलर की वेरिएशन, इसी तरह वेरिएंट्स, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल। फिर मुझे देनी है प्राइस। तो प्राइस के लिए क्या रूल फॉलो होना है जी? प्राइस 100 से 10,000 के दरमियान होनी चाहिए और नंबर होना चाहिए, तो मैं इसे 3,000 कर देता हूँ। इसी तरह डिस्क्रिप्शन कोई और नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो मैं कह देता हूँ जी कि प्रोडक्ट
डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। यहां तक किसी को मसला तो नहीं है? फिर आपके पास टाइटल होना चाहिए, टाइटल 5 से 20 के दरमियान स्ट्रिंग होनी चाहिए और रिक्वायर्ड है, खाली नहीं हो सकता, ठीक है। सो लेट मी डू दिस। टेस्ट प्रोडक्ट, और ये सारा का सारा अल्टीमेटली क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, तो इसको कट करें और इस सारे को किसके अंदर रखें, ऑब्जेक्ट के अंदर रखें। अब आपको पता है कि हमें रिक्वेस्ट में क्या भेजना होता है, जेसन ऑब्जेक्ट भेजना होता है, ये भी पता है आपको। तो मैं सारों को क्या कर दूंगा, इसको भी ये कर दूंगा, इसको भी ये कर दूंगा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैं जी फ्रंट एंड पे वैलिडेशन के लिए, वो तो ऑप्शनल है, बनाए ना बनाए, बैक एंड पे तो डेटाबेस की कम्युनिकेशन के लिए स्कीमा लाजमी बनाना है। समझ आ गई, मैच होगी सारी फील्ड्स। लेट्स सी, अब मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मैं भेजूंगा वो मुझे कहाँ रिसीव होगी जी, यहाँ रिसीव होगी न्यू प्रोडक्ट में, और इस न्यू प्रोडक्ट को मैं एज इट इज़ उठा के कहाँ डाल देता हूँ जी, यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स देगी मैं इसको इधर सेव कर लेता हूँ, और मैं इसी रिस्पॉन्स को वापस भेज देता हूँ, एरर आई या रिस्पॉन्स आए जो भी आए वो इस रिस्पॉन्स में सेव होगा और ये वापस चला जाएगा डेटाबेस में भी क्रिएट होके, डेटाबेस में क्रिएट होके वापस जो कुछ भी जाएगा वापस मुझे कहाँ मिलेगा, क्लाइंट में मिलेगा। लेट्स सी इफ एवरीथिंग गोज वेल। पहले तो इधर से ही फेल हो गए हम। सो इट्स कॉमन, आई मीन ये क्या कह रहे जी, अच्छा क्योंकि ये रेस ये वाला और रेस ये वाला दो वेरिएबल्स के सेम नाम हो गए हैं, दोनों एक स्कोप में सेम नाम के नहीं हो सकते, मैं इसे आर बोल देता हूँ, ठीक है। आपने एरर को पढ़ जरूर लेना है, ये नहीं कि बगैर देखे आप ओ हो ये तो मसला ही हो गया, मोस्टली कोई मसला मसला ही नहीं होता, सिर्फ हमारी ना पढ़ने की आदत जो है ना वो मसला बना देती है। अब हम देखेंगे या तो एरर आएगा इधर या सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स सी, पोस्ट रिक्वेस्ट है स्लैश एपीआई स्लैश न्यू प्रोडक्ट पे, इस पर मैंने क्लिक किया एंड इफ एवरीथिंग इज स्मूथ विच डजंट सीम्स टू बी, लेट्स कम बैक इन द डेटाबेस, और एटलीस्ट हमें एरर मिल गया। और एरर क्या मिला जरा गौर से सुनिएगा, मैंने कहा एरर पढ़ने की आदत बनाएं प्लीज। एरर ये है जी कि रेटिंग डॉट रेटिंग में मैक्स 5 अलाउड, तो इसका मतलब कहीं वैलिडेशन में एरर है, और कहाँ एरर है, रेटिंग डॉट रेटिंग। लेट सी टू द स्कीमा, आपको पता है कि एरर कहाँ से आ रहे हैं आप, ओहो तो हमने यहाँ पे 5 करना था। अब आपको समझ आ गया कि हमारी वैलिडेशन भी ठीक चल रही है, चलें इसी बहाने दाग तो अच्छे होते हैं ना। तो अब हम दोबारा जाएंगे एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल वी शुड बी एबल टू सी समथिंग, या कंग्रेचुलेशंस, ये हमें रिस्पॉन्स में मिला। और जरा गौर से इंपॉर्टेंट बात देखें, इसने आईडी खुद क्रिएट कर ली, और मजे की बात देखें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की नहीं हर नेस्टेड ऑब्जेक्ट में भी आईडी दे दी है इसने, तो इमेज की यूनिकनेस के लिए भी आपको यह काम आ सकती है। बहरहाल खैर वो बात की बात है, तो आईडी मैंने कहा था आपने नहीं देनी, और दूसरा वर्जन डॉक्यूमेंट का 0। अब अगर आप MongoDB कंपस में जाके देखेंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहले नाम पे ई कॉमर्स की कलेक्शन खुद बनी होनी चाहिए, उस ई कॉमर्स की कलेक्शन में इस ई कॉमर्स के डेटाबेस खुद बना होना चाहिए, ई कॉमर्स के डेटाबेस में कलेक्शन का नाम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स एस के साथ, और प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेट्स सी, हम यहाँ पे गए, हमारे पास ई कॉमर्स का डेटाबेस बन गया, इसको क्लिक करें प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बन गई, इसको क्लिक करें तो एक बन गया, हमने ये भेजा था टाइटल
डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, इमेज, रेटिंग। इमेज में देखें अरे बन गई है और इस अरे में तीन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और उनमें वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। रेटिंग में देखें वही सारा कुछ पड़ा हुआ है। सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन आवर बैकएंड एंड डेटाबेस एंड वी हैव स्टार्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन आवर बैकएंड टू द डेटाबेस थ्रू द मॉडल्स। मॉडल यूजेस स्कीमा एंड दैट्स इट। बैकएंड खत्म। हाँ अभी तो आगाज हुआ है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। मतलब एक्चुअली फुल स्टैक एप्लीकेशन का फ्लो तो कंप्लीट ऐसे ही होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन अभी बीच में एक और लेयर बाकी है। ये जो एरर आया था इसको भी तो हैंडल करना है ना, सर्वर तो नहीं क्रैश करवाना। तो एरर हैंडलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल देखेंगे एरर हैंडलिंग, उसकी बात करें या पहले करें या बीच में करें, लेकिन दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट टुडे। तो अगर किसी का कोई सवाल है